निजी स्कूलों में फीसों पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और वो महंगाई के दबाव में वैसे ही हैं। निजी स्कूलों को अगर मनमानी छूट दे दी गई तो सरकारी स्कूलों पर दबाव पड़ेगा और जो बच्चे उच्च शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहना चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं होगी। जो सरकार की तरफ से निःशुल्क निजी स्कूलों में जो आरक्षित के हिसाब से जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी साल पूरा हो गया, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और उन्हें बिना फीस लिए मतलब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ लगाम लगानी चाहिए। आम आदमी तो लगातार कहता है कि लगाम लगानी चाहिए। नागर साहब, इतने सारे मुद्दे हैं मेरे ख्याल में सरकार के जहन में होने चाहिए, लेकिन सरकार चुप है। क्या मानूं, ज़्यादातर नेताओं की स्कूलें हैं। देखिए, निजी स्कूलों पर जो आप क्या ज्यादातर नेताओं की स्कूलें हैं तो निजी स्कूलों पर मेहरबानी होती है। इसमें कोई किसी का कैटेगरी नहीं है कि किसकी स्कूल है किसकी नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है। स्कूल की में सेवा देना चाहता है तो हाँ, नेताओं भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। एक आम आदमी का दर्द जैसे आपकी जुबान पर होता है वो नजर नहीं आया। नहीं नहीं, देखिए निश्चित रूप से कई स्कूलें मनमानी फीस बढ़ा करके और जो लोगों का शोषण कर रहे हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सर, आपको तो बात होनी चाहिए, आपकी तरफ से तो कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने के लिए देखो अश्वनी जी, कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार ने कमेटी गठित करके एक बिल ला रही है, उसके जब कार्रवाई करने का अधिकार तो होना चाहिए। पहले कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उस पर अभिभावक जाकर के कोर्ट में चले गए और उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, आप बाउंड नहीं करेंगे। तो बिल के बिना जब कोई आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो इसीलिए बिल ला रहे हैं कि कम से कम उसे गवर्न तो हो, और उसके अंदर हमारे स्टेट बोर्ड के ही नहीं सेंट्रल बोर्ड के स्कूल भी उसके अधीन करते हुए हमें कार्रवाई करने के लिए। अर्चना जी, मैं चलो सरकार की मजबूरी समझ लेता हूं, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप सरकार पर तो दबाव बना सकती, हो सकता है कांग्रेस नेताओं की भी स्कूलें हो इसलिए कांग्रेस चुप हो, लेकिन सरकार पर तो दबाव बना सकते हैं, वहां क्यों नहीं बात होती? मुझे नहीं लगता कि एक हमारे व्यूअर ने अपनी भावना व्यक्त कर दी हो कि स्कूलों में नेताओं की भागीदारी हिस्सेदारी है, इससे ऐसी स्थितियां बनती है। नेताओं की स्कूल होगी तो नेता को चुनाव में भी जाना है, वो एक स्कूल के पक्ष में खड़े होकर जनता का वैर मोल नहीं ले सकते। तो ये सोच बिल्कुल मैं समझती हूँ एक अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। आज पहली बार इंदर ओझा जी ने जो उद्गार व्यक्त किए उसके पक्ष में आज मैं ही बोलूंगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कह रहे थे ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम निःशुल्क मिलना चाहिए, तो उनको भी अवगत होगा कि इस सरकार ने शासन में आते सबसे पहले जो बजट कर्टेल किया इन दो सेक्टर्स में किया, इसके बजट को इतना कम कर दिया कि इन क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए, जो शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की परंपरा थी उसको कुठाराघात पहुंचा, उसके खिलाफ समझौते हुए आपकी बात में आप मेरी बात सुनिए, आपके कौन से आदर्श स्कूल खुल गए और किन मॉडल स्कूल की आप बात कर रहे हो? आपका एक भी मॉडल स्कूल काम नहीं कर रहा। और देखिए ये आदर मेरी बात सुनिए ना, मैं सरकार में तो बात देखिए कटघरे मेरी बात सुनिए ना कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। आपकी व्यवस्था क्या है? आप राष्ट्रीयता के नाम पर सिलेबस बदलना चाहते हो? आप पता नहीं कौन से लेखक आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सत्रह हजार करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, आपकी बात से नहीं सहमत हूँ। 17,000 स्कूल बंद किए हैं आपने और 30,000 बंद करने के लिए काम कर रहे हैं। आप तो प्राइवेटाइजेशन पे जाना चाहते हो, जहाँ नामांकन कम था, जहाँ 10-15-20 कोई नामांकन कम नहीं था, बंद करने के लिए स्कूल आपने बालिका शिक्षा के लिए प्रतिगामी कदम उठाया, एससी एसटी की जगह जो थी आपको आना पड़ा। पहली बार 5,000 बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के, बिना किसी के डिजायर पर हमने स्कूल खोले हैं 5,000 आदर्श विद्यालय और उनमें 31,000 नहीं मिले। मैं अभी नहीं समझ पा रहा कि इन सब बातों का एक निजी स्कूल और निजी स्कूल की फीस वृद्धि या फिर निजी स्कूल में लगे शोरूम से क्या ताल्लुक है। देखिए अश्वनी जी, जब तक हमारी सरकारी स्कूलों की क्वालिटी नहीं सुधरेगी वहां तक हम ये सब अरे सर कौन सुधारेगा, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। अगर आप सुधारेंगे सरकार में आप नहीं करेंगे कौन करेगा? सरकारी स्कूलों की क्वालिटी भी सुधारें,
वहां पर नामांकन भी बढ़ाए। कांग्रेस के राज में 4 लाख नामांकन कम हो रहे थे, हमने उन 4 लाख में 8 लाख नामांकन करवाए, 8 लाख नामांकन बढ़े हैं हमारे यहाँ पर। देखिए हमारे राज में आने के बाद पहले साल में 8 लाख, मैं बताता हूँ दूसरे साल में 4 लाख। उसका कारण है सीबीएसई का पाठ्यक्रम लेकर के आए किशन मित्तल साहब। किशन मित्तल साहब, किशन मित्तल साहब उलझिए मत, मैं एक बात का जवाब चाहता हूँ आपसे। किशन मित्तल साहब, इस बात की जानकारी आप मुझे दे दीजिए कि जो निजी स्कूल है, क्या उनके लिए फीस को लेकर, फीस के परे जाकर अगर हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म को लेकर, अदर एक्टिविटीज को लेकर और इन तमाम बातों को लेकर कोई नियम कायदे हैं सच में? क्योंकि आम आदमी को लगता है कि वो मजबूर है। अगर आप निजी स्कूलों की वकालत करते हैं तो आम आदमी को बता दीजिए लूटते वक्त कहां अपील करें। फीस एक्ट बना हुआ है 2013 के अंदर आया, लेकिन शिव कुमार जी शर्मा साहब ने उसका सही तरीके से और प्रतिपादन नहीं किया। उसके अंदर यह था कि आपको एक विद्यालय की फीस को तय करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, उसके खर्चे देखने हैं, उसकी सारी चीजें देखनी है, तब आप उसका तय करेंगे। उन्होंने एक फार्मूला लगा दिया और एक फार्मूले के आधार पर सारे स्कूलों की फीस तय कर दी। ठीक है, अब जिनकी फीस 300 रुपए थी उसकी 150 रुपए कर दी। अच्छा, और सबसे पहले किसको किया, जो विद्यालय 6,000 रुपए से कम फीस ले रहे थे, 100 रुपए आपने उनका तय कर, और जब भी करना चाहिए था जो 1,00,000 रुपए ले रहे हैं, 50,000 रुपए ले रहे हैं, उनकी तो तय कर ही नहीं, उनकी नहीं थी। मैं यही बात तो शुरुआत में आपसे पूछ रहा था कि क्या बड़े स्कूलों को खराब नहीं छूट मिल रही, और अब आप नया एक्ट लेकर के आ रहे हैं महाराष्ट्र। किशन जी, मैंने यही बात आपसे पूछी थी, क्या बड़े स्कूलों को छूट मिल रही, तब आपने इनकार कर दिया था। उमराव जी झुंझुनू से नमस्कार। नमस्कार जी, बताए। कहना चाहता हूँ, जो बहस चल रही है प्राइवेट स्कूलों के बारे में, तो सरकार इतना काम क्यों नहीं करती कि सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के नेताओं के बच्चे को अनिवार्य क्यों नहीं कर देते, अपना भी मसला हल होता है। चलिए मैं इस पर आगे बात करूंगा स्नेहलता जी से, उससे पहले कैलाश जी आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या निजी स्कूल को बाउंड किया जा सकता है कि वो स्कूल ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी से जुड़े बाकी सामान, अदर एक्टिविटीज को लेकर जो मनमानी वसूली करते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके? मैंने पहले कह चुका हूँ कि फीस एक्ट किस आधार पे बना है, पहली बात। अब रही ये तो बात, फीस का पार्ट नहीं हुआ नहीं, ना मैं तो ये समझना चाहता हूँ क्या ये फीस का पार्ट है। चलिए आप ये बता दीजिए, क्या ये फीस का पार्ट है? कौन सा, स्कूल में मिलने वाली स्टेशनरी, स्कूल में मिलने वाली यूनिफॉर्म, स्कूल की एक्टिविटीज तक की, जो मध्यम स्कूलें हैं? मेरे सवाल का जवाब देते हुए आप अपनी बात बोलिए। जो शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं स्कूल में उनके बारे में आप हम स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ की तरफ से अध्यक्ष जी से बात करके हम एक सर्कुलर जारी कर देते हैं कि कोई भी विद्यालय अपने विद्यालय के अंदर और ड्रेसे नहीं देगा, अपने उसके अंदर स्टेशनरी नहीं देगा। अब अभिभावक जो है और उनको कहीं से भी लेकर के आए, अब अभिभावक को उस सब चीजों को लाने के लिए कम से कम 500-1,000 रुपए का पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। अब वो वहां से व्यवस्था करेगा, फिर उसको बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ पैसा खर्च कर रहा है स्कूल वाला और सारी चीजों की व्यवस्था भी तय करेंगे, कंपनी भी तय करेंगे। कैलाश मित्तल साहब, आप तर्क से सहमत है? मैं सवाल फिर लेकर आऊंगा, आपसे भी जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तर्क से ये सहमत नहीं हूँ, मैं तो यही सहमत हूँ कि भाई जो फीस एक्ट आ रहा है ना, ये मुनाफाखोरी रोकने के लिए होना चाहिए। छोटी स्कूलों की बाध्यता खत्म कर दें और हमें 17,000 तक की फीस लेने वाली स्कूलों को फीस एक्ट से बाहर कर दें। स्नेहलता जी, आपने कैलाश मित्तल साहब की भी बात, कैलाश जी की भी बात सुनी होगी और मित्तल साहब की भी बात आपने सुनी होगी किशन जी की। आपको क्या लगता है कि सच में स्कूल इतने ईमानदार हैं और सारे स्कूल, क्योंकि ये जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे लगता है कि ऐसे स्कूलों की बड़ी संख्या है जो समाज सेवा कर रही है, और आपकी बातों को सुने तो ऐसा लगता है कि चुनिंदा स्कूल है जो समाज सेवा कर रहे हैं, सच क्या है? सच ये सब चुनिंदा स्कूल ही हैं जो समाज सेवा में हैं, बाकी तो देखा देख प्रतिस्पर्धा हो गई है स्कूलों में, बाकी मुनाफा कमाते हैं। हाँ, कमा रहे हैं। मार्केट के अंदर आज एक दुकानदार है अपनी बेचने के लिए, वो लोग रेट कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। स्कूल सब प्रतिस्पर्धा में जितने रेट बढ़ाएगा वो उतना स्कूल अच्छा माना जा रहा है, ये पेरेंट्स की भी सोच है। तो फिर इसमें तो जिम्मेदार पेरेंट्स भी हुए, बराबर के भागीदार हुए। 100% है, पेरेंट्स भी हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो पिस रहे हैं और बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उन लोगों को तो लगता है कि अर्चना जी, इन सारी बातों के बीच में गरीब की बात जो हो रही थी, गरीब का तो ख्याल कहीं पर है नहीं। देखिए अश्विनी जी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें थोड़ी विवेकशीलता की भी आवश्यकता है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस मूल जो मुद्दा है उससे कई बार भटक भी रहे हैं। समस्या ये है कि
बच्चों ये बात कह रहे हैं कि हम वहाँ उपलब्ध करवाते हैं ड्रेस मटेरियल या ड्रेस या बुक्स, यदि आप बिल्कुल संयमित दरों में उपलब्ध कराते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस भागम भाग के दौर में कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा किताब लेने के लिए चौड़े रास्ते सरकारी नियंत्रण तो नहीं नियंत्रण हो। और ये स्वयं नियंत्रण के साथ कहना चाहते हैं कि हम एक एफिडेविट सरकार को देते हैं कि हम इन दरों पर ये उपलब्ध करवाएं, यदि वो हो जाता है और उसकी निगरानी हो जाए तो इससे अच्छा किसी अभिभावक के लिए आपत्ति कहाँ है। वहाँ जिस स्कूल में फीस भी अनियंत्रित है और साथ ही साथ वहाँ पर खोले जा रहे हैं कैफे, सीसीडी खोला जाता है, कॉस्टा कॉफी खोल दिया, पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ले ली, अब उस अभिभावक का तो मरण हो गया जहाँ बच्चा ये जाकर के कहता है कि मेरे मित्र जो हैं वीक में दो बार पैसे लेकर के कैंटीन में खाना खाते हैं, अब उस समस्या का क्या निदान होगा। और ये प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हावी हो गई ये मल्टीनेशनल कंपनियों की घुसपैठ शुरू होने के बाद, और फिर भारतीय जनता पार्टी देखिए आपको फिर आपत्ति होगी, आपका दोहरा चरित्र सामने आया, आप कभी कहते थे एफडीआई जो है मरण है पूरे रिटेल व्यवस्था का, लेकिन आपने तो हर चीज में एफडीआई को इस तरह से अधिरोपित कर दिया, उसकी घुसपैठ को ऐसी स्वीकृति दी कि उसका जो दुष्प्रभाव है शिक्षण संस्थाओं पर आ गया। अब आप यहाँ पर अपने प्रवृत्ति के साथ न्याय करने के स्थान पर बार बार ये कह करके कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी प्राइवेट स्कूलों के भरोसे रहना पड़ेगा, तो क्षमा कीजिएगा आपको फिर आपत्ति होगी, आपकी नीति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाने की है, इसके कारण ये शिक्षण संस्थाएं भी फल फूल रही है जो अभिभावकों का शोषण करती है और जो नौनिहाल है उनके साथ भी ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है जो उनको पाश्चात्यकरण उनका फीस नियंत्रण को लेकर अवमानना करते हैं और सरकार नियंत्रण को लेकर जो आपका जवाब है बात उसकी भी होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपके दौर में लौटेंगे तो ब्रेक के बाद बात होगी आपके जवाब पर।